नमस्कार, जय सी आराम दोस्तों। मैं अंकुश बर्मन और आप लोगों को स्वागत करता हूं हमारे आज की इस वीडियो में। तो इस पार्ट में मैं दोस्तों आप लोगों को थंबनेल में, जैसे कि आप लोगों ने देखा है, टाइगर का ड्रॉ करूंगा इस स्केच को। तो इससे मैं पहले, और ये पेपर साइज है A3 साइज, तो इसे मैं A3 साइज में कलरिंग ड्रॉइंग करूंगा। तो इससे पहले हमें आउटलाइन बना लेना है, तो आउटलाइन बनाने के लिए मैं इस रविंद्र फोटो का यूज़ करूंगा जो आप लोगों को दिखाया है। तो उसको मैं ग्रिड में कन्वर्ट कर लूंगा, तो उसके लिए मैं इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करूंगा, ग्रिड फॉर ड्राइंग। तो इसे आपको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन का या प्लस का एड का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर उसके बाद इमेज पे क्लिक करना है, उसके बाद अपने इमेज सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद इसको आप ग्रिड में कन्वर्ट करना है। यह हो गया। अब आप किस साइज़ में ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको यह सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करके तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कौन से साइज़ में आप स्केच को ड्रॉ करना चाहते हो। A5 से लेकर A0 तक है। तो हम सिंपली तो A3 में ड्रॉ करने वाले, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसे ओके कर देना है। ओके यहाँ पर नहीं लिखा होगा, किसी किसी के पर लिखा होता है ओके, किसी किसी के पर नहीं होता है। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्रॉप पेज साइज यहाँ पर क्लिक करके आपको सिंपली इसे पूरा क्रॉप कर लेना है इस तरह से। तो हमने दोस्तों इसे क्रॉप कर लिया पूरी तरह से। तो अब हम इसे ऐसे जो है यहाँ पर क्लिक करना है ऊपर, आपको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम इसे इसका जो बॉक्स का डिस्टेंस इसे नापना है एक एक इंच करके। तो आपको यहाँ पर इस सेल साइज में क्लिक करना है। तो एक मैं सिंपली इस बॉक्स का साइज एक एक इंच रखूँगा। तो यहाँ पर सिंपली एक इंच पे लगभग 25 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पर मैं 25 mm लिख दूंगा, 25 mm। ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद ये जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। अब हम इसे स्केल से इसे नाप लेना है एक एक इंच करके इस बॉक्स को, इन बॉक्सों को। तो हम इसे स्केल से नाप लेंगे। तो मैंने दोस्तों इसे एक इंच करके नाप लिया है अच्छे से, पूरा एकदम परफेक्टली। तो अब इसे लॉक कर देना है ताकि ये हिले नहीं, इसलिए हमको आपको यहाँ लॉक कर देना है। तो ये लॉक हो गया। तो इसे अब आप जूम भी करेंगे तो जूम नहीं होगा, तो ये नहीं हिलेगा। तो अब हम इसे इस ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें इसे आउटलाइन को ड्रॉ करना है पहले। तो इसके लिए हमें इसे आप ब्लैक एंड व्हाइट में ड्रॉ करना चाहते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, जो हाँ यहाँ पर लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट। यहाँ पर क्लिक करते ही ये जो है ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। अब आप जहाँ से आउटलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ से स्टार्ट करिए। मैं तो सिंपली इस बार इस आइस की पार्ट को ढूंढूंगा, ये बॉक्स किस कौन सी जगह पर है। यहाँ पर आपको यहाँ पर ऊपर से देखना है। तो यहाँ पर जो है 6-7 ऊपर लाइन में, तो यहाँ हमारा 6-7 है ये, और इधर से आपको देखना है 5-6। तो यहाँ पर 5-6 इधर से 6-7 देखना है, ये 6-7। तो हमारा ये जो आँखों का पार्ट तो इस पार्ट में है। तो यहाँ से हमें इस पार्ट इस आँख को यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो इसी तरह से आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन से पार्ट में किस का पार्ट है। तो आपको ऑब्जर्व कर करके ही इसके आउटलाइन को बनाना है इसके। तो चलिए मैं आउटलाइन को आप लोगों को ड्रॉ कर करके दिखाऊंगा, ज़्यादा तो कुछ नहीं बताऊंगा। तो आप लोग देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप।
दोस्तों टाइगर का आउटलाइन ड्रॉ करके कंप्लीट कर लिया। अगर आप इसका आउटलाइन वाला फ़ोटो चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में मैं इस फोटो को अपलोड कर दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम नेम है CRMKArt, जो आप लोगों को यूट्यूब में जिस नाम से जानते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका इस फोटो का लिंक देने की कोशिश करूँगा। फिर आप इंस्टाग्राम में जाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छा होगा, तो वहीं पर मैं इसे पोस्ट भी कर दूंगा। और साथ ही आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी ट्यूटोरियल चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप इसको अपलोड करने की कोशिश करूँगा।